हमारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। फ्री प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें, विजय पथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप। और हमारा जो है रक्षाबंधन सेल्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा चलेगा ये ऑफर 2 सितंबर तक। तो रक्षाबंधन पर आप हमसे हिमाचल प्रदेश पटवारी 2024 के मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी, यानी कि हिमाचल प्रदेश पटवारी के वो सवाल जो पिछले सालों में आए हैं और आने वाले एग्जाम में जो आएगा, जिसकी मैंने जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल्स आपको लास्ट वीडियो में दी थी। और इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिएगा कि आयु संबंधी अगर प्रश्न आपको पटवारी परीक्षा में आता है, क्योंकि मैंने बताया था उसके सिलेबस में पटवारी परीक्षा का मैं आयु संबंधी प्रश्न जरूर आएंगे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। तो पहला प्रश्न आपका है, ए और बी की आयु का योग 22 वर्ष है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि हम मान लेते हैं कि ए और बी, यानी कि इनकी उम्र जो है वो बी की उम्र अगर एक्स है तो ए जो है वो एक्स प्लस 4 होगा, यानी कि बी जो है से जो है वो ए कितना है बड़ा है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं तुझसे 4 साल बड़ा हूँ, तो भैया आप अगर एक्स हो तो मैं आपसे एक्स प्लस 4 हूँ, अगर आप 10 साल के हो तो मैं कितना हुआ 14 साल का हुआ। इसका मतलब ए जो है वो बी से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया बी मैं तुझसे 4 साल बड़ा हूं। तो ध्यान से याद रखिएगा। अब बोला है इन दोनों की आयु का योग, यानी कि x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 22। बोलो इतना समझ आ गया, ये a की आयु प्लस दूसरे की आयु, क्योंकि पेपर में यानी कि सवाल में खुद ही कहा होगा योग सम ऑफ द एजेस, तो उसी हिसाब से x प्लस x कितना हो गया 2x, और 4 यहां से जाकर उससे क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 18/2। तो x यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9। तो ये 9 जो होगा वो किसकी आयु निकलेगी, बी की आयु कितनी आएगी 9। और अगर हमें ए की आयु निकालनी है, क्योंकि सवाल में किसकी आयु पूछी ए की, फाइंड द वैल्यू प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो हमें प्लस 4 यानी कि 9 प्लस 4 कितने हो गए 13, तो ए की एज कितनी आ गई 13 वर्ष। बहुत ही सिंपल सवाल, पेपर में जाने से पहले आपको याद रखिएगा, आपकी तैयारी अपनी जांचनी हो तो हर क्वेश्चन का 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। अगला सवाल आता है ये, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, दोनों की एज जो है वो क्या है 28 वर्ष है, गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। अब मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि आप मुझसे 6 साल छोटे हो, अगर मैं 10 साल का हूं तो आप कितने साल के हुए 4 साल के हुए, क्योंकि आप 6 साल छोटे हो, यानी कि एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा एक्स माइनस 6। अब आगे बोला है दोनों के को मिलकर, या रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, अगर इन दोनों को अगर हम मिलकर का मतलब होता है सम, ठीक है, तो टूगेदर मतलब इन्होंने लिखा है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 28। ओके, तो x प्लस x हो गया 2x, यहां से 6 इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 28 प्लस 6, तो कितना आ गया 28 प्लस 6 इज इक्वल टू 34। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, 34 को हम 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2 14 हो गए, 2 सते 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो ये है हमारी
एज। अब पूछा किसकी एज को है, गणेश की एज को। किसकी एज को पूछा है, गणेश की एज। और गणेश की एज अब हमने एक की एक्स मानी है तो ये 17 आ गई, ठीक है। और 17 में से यानी कि अब हमने 6 लेस कर दिए तो दूसरे की आ गई 11। अब आपसे पूछा कैसे था, अब हमने किसको एक्स और एक्स माइनस 6 माना है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। गणेश रमेश से, यानी कि मैं कह रहा हूं गणेश रमेश तू मुझसे 6 साल छोटा है, तो इसका मतलब गणेश की आयु पूछी गई है। किसकी आयु पूछी गई है, गणेश की। तो मैं कह रहा हूं यानी कि गणेश कह रहा था, कौन कह रहा था, गणेश। तो गणेश को हमने क्या मान लिया, एक्स। और एक्स माइनस 6 कौन होगा, रमेश। बोलो क्लियर हो गया ये सवाल। तो इसी प्रकार से आपको ये सवाल पक्के करने हैं और एक मिनट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगला सवाल जो कि अंतर पर आधारित प्रश्न है, किस पे है, अंतर पर आधारित प्रश्न है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु क्या लिखा है, सो द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सोनी एंड मोनी इज 7 ईयर्स। इफ मोनीज एज इज 2/3 ऑफ द सोनी एज, फाइंड द सोनी एज। अब सोनी की आयु निकालें। अब बोला है यदि मोनी की जो आयु है वो सोनी की 2/3 है। क्या कहा है कि मोनी की जो आयु है, मोनी मोनी की जो आयु है वो सोनी की, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कई बार, कि कितनी है, 2/3। 2/3 मतलब 2/3, 2/3 के बराबर है। तो इसका मतलब मोनी ओवर सोनी इज इक्वल टू 2/3, दैट्स इक्वल टू 2:3। तो टोटल रेशियो कितनी होगी, 5। कितनी रेशियो होगी, 5 हो गई। अब बच्चों आगे पूछा था कि दोनों की का अंतर, अंतर होता है डिफरेंस, डिफरेंस दोनों का कितने का आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि हमें योग नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस आया 1 का, यानी कि 1 यानी कि एक्स बोल सकते हो, 1x भी बोल सकते हो, इक्वल टू 7। तो दोनों का अंतर कितने का आया, 7 का। अब आगे पूछा है कि सोनी की आयु ज्ञात करें, तो सोनी की यानी कि सोनी ये हुआ, ये मोनी है, क्योंकि मैंने रेशियो लिखी हुई है, तो इसको 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मैं मोनी और सोनी दोनों को ही बता देता हूं, एक की आपकी 14 हो जाएगी, एक की 21 हो जाएगी। अभी आपसे जो पूछी थी वो सोनी की आयु पूछी थी, इसलिए आपका हल जो है वो 21 वर्ष आएगा। इस प्रकार से ये अंतर पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में करना है। अगला सवाल हमारा ये है, टीना और मीना की वर्तमान आयु का अंतर 5 वर्ष है। ध्यान से करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। यदि मीना की आयु टीना की 3/4 है, ये 3/4 है, ठीक है, कितना है, 3/4 है, हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैंने बोला है मीना, मैं फिर से समझा रहा हूं, मीना की आयु जो है वो टीना की आयु का 3/4 है, का 3/4 है, यानी 3/4, यानी कि मीना ओवर टीना इज इक्वल टू 3/4। अब बोला है अंतर, डिफरेंस दिया है आपके 5/5, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितने का फर्क आया, 1 का, यानी कि 1x इज इक्वल टू 5। अब आपसे पूछी किसकी आयु है, टीना की, और टीना का है 4 रेशो, जिसकी रेशो उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गई टीना की आयु बेटा, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये। और अगर मीना की पूछी होती तो 3 को 5 से कर देना था, कितनी आ गई, 15। तो इस प्रकार से जो है वो अंतर पर आधारित प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से अगले बुढ़ापे पर चलते हैं हम।
समय नहीं वेस्ट करेंगे। अब जो है अनुपात पर आधारित प्रश्न है, कई बुक्स हम देखते हैं अलग अलग माध्यम से किया होता है। मैं कहूंगा कि एक बार आप हमारे इस वीडियो को देखिए, देन आफ्टर दैट धड़ल्लेदार आपको ये क्वेश्चन ये टाइप्स आपको परफेक्ट करवा दिए जाएंगे। अगला सवाल देखें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 का अनुपात था। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:4। 2 years ago, the ratio of their ages was 3:4. What is the present age? तो present age जो है वो बताएं कि उनकी present age क्या है। याद रखिएगा, ago का मतलब होता है subtraction और पूर्व मतलब minus, बाद बोला हो तो plus। ये याद रख लीजिएगा, आपको question में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं इसकी आपको पहले ट्रिक दूंगा, बहुत ही सिंपल सा है, मेथड नंबर 1 दे रहा हूं मैं आपको। करने के तरीके 2-3 हैं इस क्वेश्चन को ना, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ए और बी का बोला है, कितना बोला है 5:4, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व 4:3 हो जाएगा। अब आपसे आयु किसकी पूछी है, ए की, किसकी पूछी है, ए की, तो हम ए की ही आयु निकालेंगे इस माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो ए की आयु कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा, 5 इसका अनुपात है गुणा, ठीक है, ईयर आपके पास 2 दिए हैं, ओके। अब आपने क्या करना है, जो बदला हुआ अनुपात है वो माइनस कर दीजिए, यानी कि पूर्व में कितना था, 4:3, और क्रॉस में भी माइनस कर दीजिए, 4 × 16, 5 × 15, तो 5 × 2 = 10 गुना 1, 4 − 3 = 1, और इससे भी आपको माइनस कर लीजिए, 15 − 16 = 1, तो कितना आ गया, 10। तो ये सीधा एक मेथड है जो उम्र निकालने का है, जिसकी से उम्र जो है वो डायरेक्ट आ जाती है। तो ए की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष। अगर इसी प्रकार से बच्चों बी की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि बी की आयु, तो आपने क्या करना, अनुपात बी का क्या था, 4, साल कितने दिए थे, 2, बदला अनुपात कितना था, 4 − 3, और क्रॉस में भी माइनस कर दीजिए, तो 16 − 15, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, आप कोई भी तरीका लगा लीजिएगा, बस 4 × 2 = 8, इससे 1 बचा, इधर से भी 1, आंसर इज 8। 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आप उसी यूट्यूब को देख सकते हो या उसी वीडियो को देखिए जिसमें 1 मिनट में करने की ट्रिक दी हो, तो इसलिए आपके लिए हम यही कह सकते हैं कि आप हमारे इन क्वेश्चंस को देखिए, 1 मिनट में होने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये मेथड था जिसमें हमने 10 और 8 सीधा इस सवाल का आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पिता की और पुत्र की आयु, पिता और यहां पर आपने पुत्र लिख देना है कि वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, 5 वर्ष बाद 7:3 हो जाएगा। अब ये 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी, जो हम अभी निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं उनका प्रेजेंट एज, पूर्व में हम बाद में देख लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले पिता की यानी कि फादर एज निकाल रहे हैं, तो 3 ये आ गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एज के बाद आपने जो है उसका ईयर लिख लीजिए, ईयर हो गया 5, बदला अनुपात माइनस, और क्रॉस में भी माइनस, 3 × 3 = 9, 7 × 1 = 7, 9 − 7, तो माइनस किया, 5 × 3 = 15, इससे भी 7 में से 3 गए, कितने बच गए, 4, ठीक है, और 7 में से 9 गए तो 2, तो 2 × 2 = 4, तो 15 × 2 =
30, यानी कि पिता की उम्र जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ रही है, 30 वर्ष आ रही है। पिता की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी आ रही है, 30 वर्ष आ रही है, मगर उन्होंने जो हमसे पूछा है 5 वर्ष पूर्व, एगो, और एगो का मतलब माइनस, तो माइनस 5 कर दो तो कितना आ गया, 25। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा मुझे। और ये था टाइप जो कि अनुपात पर आधारित था। ये थे मैं जो लेकर आया था आयु संबंधी प्रश्न। आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, फ्री प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें, विजय पथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन ऐप। और हमारा जो है रक्षाबंधन सेल्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा चलेगा ये ऑफर 2 सितंबर तक। तो रक्षाबंधन पर आप हमसे हिमाचल प्रदेश पटवारी 2024 के मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और इन्हें आप जल्दी से अडॉप्ट करिए। और आपको इसमें हमारी तरफ से चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक, मैथमेटिक्स के अलग से टॉपिक्स होंगे, इंग्लिश के अलग से टॉपिक्स होंगे, हिमाचल जीके के अलग से टॉपिक्स होंगे, हिंदी के अलग से टॉपिक्स होंगे। सभी टॉपिक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, मॉक टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, और इसकी वैलिडिटी जो है वो पूरी 1 साल तक मिल रही है। तो आप जो है फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, और डेली करंट अफेयर फ्री में अपने मोबाइल पर पाइए, और उसकी वीडियोज़ को भी देखिए। तब तक के लिए बने रहिएगा इसी चैनल पर, यूट्यूब पर। जय हिंद, जय भारत।